पिछले 24 घंटों में झारखंड में जो मॉनसून है वो सामान्य रहा है और कुछ कुछ स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है और कहीं कहीं पे भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। और जो सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है वो 106 मिलीमीटर अर्की जो कि खूंटी ज़िले में वहाँ रिकॉर्ड किया गया है। और अधिकतम तापमान की बात करें तो सबसे जो अधिकतम तापमान है वो 34.4 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में रिकॉर्ड किया गया। और सिग्निफिकेंट रेनफॉल की बात करें तो अर्की के अलावा राजमहल में 90 मिलीमीटर, जमशेदपुर में 73.4 मिलीमीटर और चांदेल में 61.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अब बात करते हैं अगले 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का। तो झारखंड में अगले आने वाले 5 दिनों में आपको अच्छी बारिश देखने को मिलेगी और झारखंड में कई स्थानों पर आपको गर्जन के साथ में अगले 2-3 दिनों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। और आने वाले दिनों में भी झारखंड में बारिश अच्छी देखने को मिलेगी। इसका मुख्यतः ये कारण है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो अभी बना हुआ है उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में और उसके और गहराने की संभावना है और कल से वो लो प्रेशर एरिया में कन्वर्ट होने की उसकी संभावना है और जिसकी वजह से आपको ईस्टवर्ड और साउथ ईस्टर्नली जो विंड है आपको झारखंड में आने लगेगी, मॉइस्चर लेके आने लगेगी और जिससे रेनफॉल एक्टिविटी में थोड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। और बात करें चेतावनी की तो 27, 28, 29 ये 3 दिन झारखंड में आपको गर्जन और वज्रपात के इवेंट देखने को मिलेगी। और भारी बारिश की बात करें तो 28 से 29 दो दिन है जिसमें आपको 28 की बात करें तो खासकर उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट झारखंड में आपको कहीं कहीं पर भारी बारिश देखने को मिलेगी। और 29 तारीख की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट झारखंड, उत्तर पश्चिमी झारखंड जो पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार इन इलाकों में आपको एक आध जगह पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। अगले आने वाला जो एक सप्ताह है उसमें झारखंड में बारिश में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये बेसिकली इसलिए है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो कल से लो प्रेशर में कन्वर्ट करेगा। और अगर मानसून ट्रफ की बात करें तो मानसून ट्रफ झारखंड के गिरिडीह से अभी पार कर रहा है जिसका भी असर झारखंड पे देखने को हमें मिल रहा है। और अभी तक की मानसून की बारिश की बात करें तो 1 जून से लेकर 27 अगस्त तक झारखंड में मानसून एकदम सामान्य रहा है और जो वास्तविक वर्षापात है वो 766 मिलीमीटर हुआ है जबकि इस अवधि का जो सामान्य वर्षापात है वो 787.5 मिलीमीटर हुआ और जो डिपार्चर है वो -3% है जो कि सामान्य है। आने वाली दिनों में बारिश को देख के इसके डिपार्चर को पॉजिटिव साइड में भी जाने की संभावना जताई जा रही है। धन्यवाद।